नमस्कार फिर से एक बार आप सभी के साथ जुड़ रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया के साथ और आइडिया क्या होगा देखिए पिछले की पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ था कि कैसे हम लोग अपना बेकार न चलने वाला हैंड हेल्ड स्प्रेयर अपने घर में ही रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी चीज़ के बिना किसी खर्चे के आप में से बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया और देखिए कुछ इस तरह से रिस्पॉन्ड भी किया चैनल पर आके कि ये सच में काम करता है और थैंक यू आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस चैनल पे शेयर किया और आप में से कुछ लोग के पास दूसरा अटैचमेंट पड़ा भी था पर नहीं पता था कि कैसे यूज करना है उनकी भी मदद हुई और कुछ एक दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स निकल के आई देखिए जैसे कि इसका ढक्कन प्रॉपर्ली ना फिट होना और देखिए इसका भी जवाब बालाजी ने दे दिया और दिखाने का पर्पज़ सिर्फ ये कि शायद और भी कुछ लोग की ये समस्या हो तो उनका समाधान इस तरह से निकल है इसलिए मैं सारे के सारे आइडियाज़ दिखा भी रही हूँ पर इन सब के बीच में एक और सबसे बड़ी समस्या ही हमारे ओरिंग यानी कि काले वाले रबर के छल्ले को लेकर आज हम लोग इसी को रिपेयर करेंगे अपने घर में ही बिना कहीं बाहर निकले कैसे जानते हैं पर उससे पहले वीडियो बहुत आपके काम का है तो लाइक ज़रूर करिएगा साथ ही साथ जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो ये ऑल वाला बटन जरूर दबाएँ क्योंकि ऑल वाला जब आप बटन दबाएंगे तो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे क्योंकि बार बार सेम प्रॉब्लम आ रही है कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे देखिए ये रहा हमारा रबर का छल्ला अब ये अगर आपका साबूत है तो हम लोग इसको रिपेयर करेंगे अगर टूट गया तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे देखिए कौन कौन से इसके ना चलने के पांच कारण हो सकते हैं सब सब कुछ हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो अब आज हम लोग सीधा चलेंगे इस रबर के छल्ले की तरफ इसको हम लोग खोलेंगे और वो अपना ओरिंग यानी कि रबर का छल्ला निकालेंगे ये देखिए क्योंकि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी की बात करने वाले हैं देखिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये छल्ला खराब हो गया देखिए जब भी हमारा छल्ला नया होता है तो इसको हमें किसी नुकीली चीज़ से निकालना पड़ता है जैसे कि ऊपर वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं पर अगर आपके हाथ से ये इजली निकल रहा है तो इसका मतलब आपका ये छल्ला घिस गया इसी वजह से हाथ से बहुत आसानी से निकल रहा है अब देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है ये मैं बात करूँ अपने डेढ़ लीटर स्प्रेयर के छल्ले की और यही सेम छल्ला आपके दो लीटर में भी काम करेगा शायद पाँच लीटर में भी काम कर जाए पर आ, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे पास पाँच लीटर का नहीं है देखिए मेरा खराब हो रहा है क्योंकि बहुत आसानी से हाथ से निकल रहा है तो आज इसी को मैं अपने को रिपेयर करूँगी और साथ ही साथ आप भी देखेंगे तो आप भी अपना इसी तरह से रिपेयर करेंगे देखिए बहुत छोटी सी चीज़ें मार्केट में बहुत आसानी से मिलने वाली पर कई बार नहीं मिलती है। तो देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखें ये छल्ला आपका एक एम एम का या दो एम एम का दोनों में से कोई भी आपके उसमें काम करेगा अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं लेके आऊँ ना काम करे तो आप ये साथ में लेके जा सकते हैं या दुकान वाले से बोल भी सकते हैं कि अगर मेरा नहीं चला तो आप इसको रिप्लेस कर देना पर मेरे ख्याल से ये एक एम एम का और दो एम एम का दोनों ही आपके चलेंगे अब रही बात की दुकान में नहीं मिलता है तो देखिए छोटी सी चीज़ की वजह से इसको ढूंढने में दिक्कत आ रही है चूँकि दुकान में पड़ा तो होता है पर दुकान वाले सोचते हैं कि इस छोटी सी चीज़ के लिए क्यों माथा पच्ची की जाए बड़े बड़े जो कस्टमर्स खड़े हैं उनको एंटरटेन किया जाए तो इस वजह से शायद वो इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं तो आप उनसे एक बात कह सकते हैं कि भैया जब भी आप फ्री हो ना तो ये ढूंढ के रख लेना मैं नेक्स्ट डे ले जाऊंगा या ले जाऊंगी तो शायद आपकी समस्या का हल निकल पाए पर कोई नहीं आज हम लोग जुगाड़ करते हैं क्योंकि हमारा ये रिंग टूटा नहीं है इसलिए हम लोग रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के लिए एक मैंने लिया हुआ है इलेक्ट्रिक टेप सबके घर में होगा अब देखिए इसकी जितनी भी चौड़ाई है ना इसका सिर्फ वन फोर्थ हिस्सा हमें चाहिए होगा तो आपकी जैसे मर्जी हो वैसे नाप सकते हैं और लंबाई लंबाई देखिए ये छः इंच का स्केल है तो इस स्केल से मैं नापूंगी इसकी लंबाई हमें चाहिए होगी पूरी की पूरी छः इंच और इस स्केल में मैं टेप चिपका रही हूँ आधा टेप मेरे स्केल के ऊपर है और आधा टेप स्केल के ठीक नीचे क्योंकि इसी से मैं अपनी इसकी चौड़ाई भी मेजर करूँगी ये देखिए आधा टेप का हिस्सा स्केल के ऊपर आधा नीचे यानी कि ये आधा आधा डिवाइड हो गया चूँकि हमें इसका चौथाई हिस्सा ही चाहिए इसकी चौड़ाई का टेप की आधा मैंने ऐसे नाप लिया और जो आधा हिस्सा मेरा जो बाहर निकला है इसका भी आधा मैं काटूँगी इस तरह से तो देखिए मेरा ये तरीका था इसको मेजर करने का आप अपने तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं पर जो भी इस टेप की चौड़ाई है उसका सिर्फ़ और सिर्फ चौथाई हिस्सा यानी कि वन फोर्थ हिस्सा ही आपको लेना है क्योंकि जहाँ पर यह हमारा छल्ला लगा है ना उसके बीच में ये जो स्पेस है तो एग्जैक्टली इतना ही है जितना इस टेप का चौथाई हिस्सा मेरे ख्याल से आप ये गलती नहीं करेंगे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जिस टेप को हम लोग यूज कर रहे हैं उसका चौथाई हिस्सा और ये जो लंबाई हमने ली है छः इंच की तो छः इंच की लंबाई पूरी की पूरी इसमें आपको रैप कर देनी है देखिए रैप करेंगे तो बहुत सावधानी से इसकी जो साइड वॉल्स हैं वहाँ पर आपका ये टेप नहीं लगेगा बहुत केयरफुली आपको यूज करना है सिर्फ बीच के हिस्से में ही टेप रहेगा तो आप इसका ध्यान रखेंगे तभी आपका काम करेगा जब आप कोई गड़बड़ नहीं करेंगे और देखिए बस इसके ऊपर हम लोग चढ़ा देंगे अपना ये ओ रिंग अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़रूरी बात ये रिंग आपका प्रॉपर घूमना चाहिए कुछ इस तरह से बस यहाँ पर ध्यान रखें कि आप टेप इतना ज़्यादा भी ना रैप कर दें कि आपका ये छल्ला घूमना बंद हो जाए छल्ला घूमेगा तभी आपका काम करेगा देखिए अब यहाँ पर एक और चीज़ सिर्फ और सिर्फ हमें ये इलेक्ट्रिक टेप ही यूज करना है इसकी जगह अगर आपने सोचा कि आप सेलो टेप यूज कर लें या कोई धागा यूज कर लें तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि देखिए इसका नेचर है थोड़ा इस तरह का बढ़ता है इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर हमारे बिजली के टेप के अंदर पर वो चीज़ आपको सेलो टेप में नहीं मिलेगी तो आप इसको भूल जाएं धागा लपेटेंगे तो वो आपका गल जाएगा सड़ जाएगा टूट जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ बिजली वाला टेप यूज करना है थोड़ी सी हम लोग इसमें लगा देंगे वेस्लिन पेट्रोलियम जेली थोड़ा सा इसको हम लोग ऑयली बनाएंगे कि कम हमारा घिसेगा ये रबर तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा और साथ ही साथ थोड़ा सा इसका जो मूवमेंट होगा वो भी थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा सिर्फ इसलिए अब देखिए अब ये इसमें डाल के देखें जितना स्मूथली आपका पहले था उतना ही रहना चाहिए जब ये इसमें डालेंगे तो ये इंडिकेट करेगा ये आपको दर्शाएगा कि आपने इसमें आ, सही मात्रा में अपना टेप लगाया है देखिए अगर ये आपका टाइट हो रहा है ना तो आप अपने टेप की कुछ एक लेयर अनरैप कर सकते हैं यानी कि वापस उसको टेप को उखाड़ सकते हैं देखिए क्योंकि ये जब भी आप इसमें ड्रम में डालें तो बिल्कुल स्मूथली इसमें जाना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा रगड़ेगा देखिए अगर इसमें बहुत टाइट हो रहा है तो आपके जो रबर का छल्ला है ना जब आप इसमें पंप करेंगे हवा भरेंगे तो उतना ही रबर का छल्ला आपका घिसेगा रगड़ेगा इसकी वजह से आपका ये ब्लैक वाला ड्रम है वो भी डैमेज हो सकता है टूट सकता है और साथ ही साथ आपका रबर भी फटाफट से घिस के खत्म हो सकता है तो मेरे ख्याल से समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप भी रिपेयर करेंगे तो वो कोई गलती नहीं करेंगे देखिए मैंने इस पर पंप किया हवा भरी देखिए टाइट चल रहा है मेरी हवा भर रही है एयर प्रेशर बन रहा है इसका मतलब मेरा अच्छे से रिपेयर हो चुका है अब देखिए एक और समस्या आई थी कि जहाँ से ये हमारी नोजल है वहाँ से पानी लीकेज हो रहा है तो देखिए यहाँ से शायद हमने अच्छे से टाइटली बंद नहीं किया तो यहाँ से बीच से पानी लीक हो रहा है जो कि एयर प्रेशर बना पानी बाहर की तरफ प्रेशर मार रहा है और बाहर से हमारा नोजल अच्छी तरह से फिट नहीं है इसलिए हो गया हमारा काम कर गया पर अब अगर ये इन केस हमारा ये छल्ला टूट जाता है तब क्या करें तब तो ये हमारा जुगाड़ काम नहीं करेगा तो उसके लिए देखिए इस तरह के ये स्प्रेयर आते हैं मार्केट में बॉटल्स में बहुत सारे लोग बनाते हैं तो उसके लिए मार्केट में आते हैं कोई भी गार्डनिंग के जहाँ पर सामान मिलता है वहाँ पर आप शॉप से लेंगे पचास से साठ रुपए में आपको मिल जाएगा अगर आप बार्गेन करेंगे अगर फिर भी महंगा मिलता है आपको लगता है कि बहुत महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ये एक सस्ता सा सौदा आप कर सकते हैं होली के टाइम पे होली के टाइम पे जो बच्चे पिचकारी यूज करते हैं उसमें ये लगा होता है इस तरह का स्प्रे और वो जो स्प्रे में जो हमारी नोजल लगी होती है और ये जो हमारा छल्ला लगा होता है वो दोनों के दोनों हमारी इस स्प्रेयर में फिट बैठेंगे तो बहुत सस्ता सस्ता होगा हमारे इस स्प्रेयर को दोबारा से चालू करने के लिए तो जल्दी से आप भी अपना बेकार पड़ा स्प्रेयर चालू करिए अपना फीडबैक शेयर करिए और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का थैंक यू